मेरे दिल दी पहली कहानी पढ़, किसी होर नू यार बनावी ना, मैनू सोच समझ के दिल देवी, मेरे नाल मजाक बनावी ना। इस प्यार विच रोले हों देने, दिल कायम रखी घबरावी ना। जे तू मंगे ते मैं जिंद दे सा, पर किसी होर नू यार बनावी ना। ए दुनिया बड़ी जालिम है, इनू कदी भी दुख सुनावी ना। हर एक नहीं होंदा प्यार दे काबू, मैं गल मेरी तू भुलावी ना। जे मिल जावे तेनू यार सच्चा, उस यार नू कदी गवावी ना। कमबख्त अखबार ऐसे फेंकते जिस तरह भी सर फाड़ देगा। उजाला, उजाला, अरे उजाला, तेरे बीए का रिजल्ट आ गया है। उजाला, अरे अरे उजाला, कब तक सोती रहेगी? अरे उठ जा, उजाला, उजाला, दिया तूने तो। तेरे जल्दी जाने से रिजल्ट नहीं जल्दी आएगा, भाग क्यों रही हो? अच्छा चल ना, जल्दी चल। आजा। अच्छा तू बैठ, मैं लैपटॉप लेके आती हूँ, ठीक? प्लीज मैं चाहती हूँ, मैंने सारे साल पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इंग्लिश में मुझे बचा लेना। सारे सब्जेक्ट्स के कंपार सहने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इंग्लिश का नहीं सह सकती। जगह दे, चल रोल नंबर बता। रोल नंबर? रोल नंबर क्यों? क्या मतलब क्यों? रिजल्ट नहीं देखना? हाँ देखना है, लेकिन तुम्हें नहीं देखना, तुम अपना देखो पहले। चलो जी, पहले इतनी जल्दी हो रही थी रिजल्ट देखने की, और अब जब लैपटॉप सामने आ गया तो हाथ पांव फूल गए। ठीक है, मैं ही देख लेती हूँ। इंग्लिश, सिविक्स, एजुकेशन, तीनों में रियायती नंबर। मैं पास हो गई उजाला, मैं पास हो गई। मैं बारह को। चल अब अपना रोल नंबर बता, चल जल्दी करना, ते काम पड़े मेरे, शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं। रोल नंबर बता। 246794। जाला, आपा, आपा नूरा, आसान है काम।
वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक, मैं इस तरफ आई हुई थी तो मैंने कहा आपसे भी मिलते ही चलूं। हाँ हाँ, चल आ जा, आ जा, आ जा। ये ले शरबत पी। शुक्रिया आपा। ये उजाला नजर नहीं आ रही, क्या बना उसका? पास हो गई? पास और फेल का तो तब पता चलेगा ना जब महारानी घर लौटेगी। सहेलियों के पास जाती है तो उन्हीं की हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, उजाला पास तो हो जाएगी ना? अरे मेरा मुंह ना खुलवा, सारा साल सहेलियों के साथ सैर सपाटे में गुजार देती है। इम्तिहान की आखिरी रात पढ़ाई होती है उसकी, नतीजा क्या खाक आएगा? समझाया था इफ्तखार को कि पढ़ाई का पीछा छुड़वा दे, लेकिन नहीं, उसे तो बस जिद। इफ्तखार है किधर, जिरगे पे गया है। जिरगा? कैसा जिरगा? हाँ है, आपको नहीं पता चौधरी हशमत जिरगा लगा के बैठा हुआ है, किसानों की जमीनें खरीद कर वहां फैक्ट्री लगा रहा है। किसानों की जमीन बेचकर? क्या बात है मुंशी, क्यों आए हैं सब लोग? चोई साहब मेहरबानी करो, चोई साहब इन बिचारों के हाल पर रहम करो। फसल की बर्बादी की वजह से सब बर्बाद हो गया, ऊपर वाले के बाद दूसरा एक आप ही सहारा, मदद कर दो इन बिचारों की। अरे मुंशी क्या मदद करूं, पहले इन्हें बुलाया था तो इनकी अकल घास चल रही थी, इनको जमींदारी करनी थी, फसल काटनी थी, कट गई फसल। चलो मैं मुंशी के कहने पे एक मौका और देता हूं, ऐसा करो कि तुम सब अपनी अपनी जमीनें मेरे आगे बेच दो, पुराने दाम से 1% ज्यादा दूंगा। मंजूर है? मंजूर है? बोलो। सोच क्या रहे हो, इन जमीनों पे अपने मकबरे बनवाओगे क्या? हाँ करो चोई साहब को, ओ करो हाँ। ओ इतनी जल्दी भी क्या है, ये कहां से आ गया? क्या बात है चौधरी साहब, जिरगा बुलाया और बताया भी नहीं। ओ भाई ये जिरगा है, वलीमे की दावत नहीं, मैं सारों को पैगाम भिजवाता। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप। ओ एक मिनट जनाब बेअली, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हमें ये बताओ कि हमारे नुकसान की भरपाई कब करोगे। भरपाई? कौन सी भरपाई? वो आपके आदमी की नाअहली की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हुई, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? गलत बात मत कर इफ्तिखार, तेरी फसलें तेरी अपनी नाहली की वजह से तबाह हो गई हैं। फसल में नाला क्या चौहान साहब ने बनवाना था? क्यों नहीं बनवाया नाला? काम चोरी खुद करो और इल्जाम दूसरों पर आप जारी रखे चौहान साहब। हाँ तो मैं कह रहा था कि जमीनों के कागजात तैयार हैं, अंगूठे लगाओ और पूरी कीमत ले जाओ। वाह जी वाह, मुझे तो लगा कि इन्होंने हमें यहाँ हमारी मदद के लिए बुलाया है। ओ मदद ही तो कर रहे हैं, तुम्हारी जमीन खरीद कर तुम सबका बोझ बांट रहे हैं। ओ इन गरीब किसानों की बची कुची जमीन लेकर कौन सी मदद कर रहे हो तुम? इफ्तिखार बैठ जाओ। ओ क्यों बैठ जाऊं? तुम लोगों की खामोशी देख के तो लग रहा है कि तुम्हें ये सौदा मंजूर है। हाँ हाँ मंजूर है, ये सब अकल वाले, ते इतना अखड़ नहीं है। वाह जी वाह, फिर तो बात ही खत्म ना, फैसला हो गया कि हम अपने हाथ कटवा कर इसकी गुलामी की जंजीरें पहन लेंगे। और जमीन किसान का गुरूर होती है, अपने गुरूर का सौदा करने आए हम। ओ इस हवान ने हमारी जमीनें हत्याने के लिए हमारी फसलों में पानी छोड़ा है,
और आज यहाँ बैठा हमारी जमीन का सौदा कर रहा है। और इसकी आंखों में आंखें डाल के इसको ललकारो, पूछो कि क्यों किया इसने ये। यहां बैठ गए हो घुटने टेक के? चौधरी हशमत, कान खोल कर सुन ले, मेरी तरफ से ये सौदा नामंजूर। ओ, मेरी जमीनें मेरे बाप दादा की विरासत है, अमानत है वो मेरी, मैं गर्दन कटवा लूंगा, सौदा नहीं करूंगा। और तुम सब किसान हो यार, दोबारा काश्तकारी करो, किसी की गुलामी नहीं। उजाला, कहाँ गई थी? वो मैं सोनिया के घर गई थी खीर बनाने के लिए। खीर? इतनी सुबह? वो शाम में लड़के वाले आ रहे हैं ना, इसलिए सुबह से ही तैयारी हो रही है। तेरे नतीजे का क्या बना? पता था मुझे ये सारा सारा दिन फिल्में और ड्रामे चलेंगे और सहेलियों से गप्पे होंगी तो पढ़ाई क्या खाक होगी। ये दांत क्या निकाल रही हो? शर्म तो नहीं आती ना? इफ्तखार ने तेरी पढ़ाई पर पैसा बर्बाद कर दिया, समझाया भी था उसको कि ये लड़की पढ़ाई वढ़ाई करने वाली नहीं है, फेल ही होगी। कोई शर्म हया नहीं इस लड़की में। पानी सर से गुजर गया है चोई साहब, इफ्तिखार का कुछ करना पड़ेगा। उसे अगर अभी ना रोका तो कल को दोबारा फसलें खड़ी करके आपके बराबर खड़ा हो जाएगा। मुंशी, तो क्या मुझे बेवकूफ आदमी समझता? नहीं नहीं चोई साहब, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो आपको बेवकूफ समझने की बेवकूफी करूंगा? वो अपना सब कुछ किसानों पे खर्च कर चुका, फसल खाक खड़ी करेगा, आएगा, यही आएगा। उजाला, उजाला, अम्मा उजाला कहाँ है? आज रिजल्ट आना था ना उसका। हाँ हाँ, उसका रिजल्ट आ गया है, जा जाके जल्दी से मिठाई लेकर आ। माशाल्लाह, तेरी बीवी ने पूरे जिले में टॉप किया है, टॉप। बाकी? अरे फेल हो गई है अंग्रेजी और इस्लामियात में, और ऊपर से उसकी ढिटाई देखो, खड़े होके मेरे सामने दांत निकाल रही थी। अरे अब तुझे समझ आई है मैं क्या कहती थी? अरे जिसे उसके घर वाले नहीं सुधार सके तू क्या सुधारेगा? हाँ हाँ, जा जाके अपनी बीवी के आंसू पोछ, बड़ा जुल्म हुआ है उसके साथ। हाँ भाई, रिजल्ट आ गया। नाराज हो? कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। अच्छा बताओ ना, क्या है रिजल्ट? उपी से जाके पूछो ना, वो ही बताएंगी। तुम बता दो, फेल तो नहीं हुई, ये तो पक्का है। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि अगर फेल हुई होती ना तो अम्मा के सामने दांत ना दिखाती। चल बताना, नहीं हुई ना फेल? मुझे पता था। चलो चल के अम्मा को बताते हैं। नहीं नहीं, अभी रहने देते हैं। फिर क्यों रहने देते हैं?
बस दिल दुखाया उन्होंने मेरा। तुमने भी तो अम्मा के साथ झूठ बोला है ना। हाँ तो मैं माफी मांग लूंगी उनसे। मामू की कॉल आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई इफ्तिखार, उजाला ने देख लिया रिजल्ट? जी जी देख लिया, ये तो मेरे साथ ही बैठी, बात कर लेना। अब्बा मैं पास हो गई। बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक। उजाला मेरी बेटी, बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखा रशीदा, मैं ना कहता था कि खानदान में पहला बीए मेरी उजाला ही करेगी। हाँ ना, तो इसीलिए तो मैंने रात को ही शुक्राने के नफिल अदा कर लिए हैं। रात से क्यों, रिजल्ट तो सुबह है ना। तुम्हारे लिए सुबह आया होगा, हमें तो इफ्तिखार ने रात को ही बता दिया था। उसने गजट देखा था ना, उसी से पता चला है। क्या मतलब, इफ्तिखार को रात से पता है? हाँ। और आप सब लोग भी जानते हैं। हाँ। तो अब्बा मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो तू इफ्तिखार से पूछ। अच्छा चल, मुझे जरूरी काम से जाना है, फिर बात होगी। अच्छा उजाला, खुदा हाफिज। तुम्हें रात से पता है ना? नहीं तो। पता था। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पूरी रात मैंने मुसल्ले पे गुजार दी, पहले नहीं बता सकते थे? बताने आया था, जो तुम्हें नमाज पढ़ता देख के रुक गया। सोचा आज बंदे और खुदा के बीच में नहीं आता। तुम पूरी रात अल्लाह से दुआएं मांगती रही और मैं पूरी रात तुम्हें देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। तुमने मुझे ठीक से मुबारकबाद भी नहीं दी। तो अभी ले ले। क्या करूं, अभी देख लेंगी। डरती हो क्या फूफी से? अच्छा मुझे बताओ, मुझे घुमाने कब लेके जाओगे? भूल गए? तुमने वादा किया था ना कि जब मैं बीए पास कर लूंगी तो तुम मुझे पूरा शहर घुमाओगे। और वो जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन खाना खाते हैं ना मोमबत्ती जलाकर, वैसे खाना भी खिलाओगे। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गए? चलो मेरे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं? अभी कल ही तो आए थे। हाँ आए थे, लेकिन सब किसानों में बांटे। मेरे पास सब घर के राशन के ही पैसे। हाँ तो कोई बात नहीं, शहर कहाँ भागा जा रहा है, हम दोबारा चले जाएंगे। सोनिया आ गई, मैं आती हूँ। इफ्तिखार, 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 कौन है?
ये सब तुमने किया? नहीं, बाला भी था साथ, पूरा दिन लगा। तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। तो आइए तशरीफ रखिए, आज मैं हूं आपका मेजबान और आप होंगी हमारी मेहमान। तो बताइए क्या खाएंगी आप? क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है कबाब, बिरयानी, कोरमा और डेजर्ट में पान। इसको डेजर्ट नहीं, डिजर्ट कहते हैं। हाँ हाँ, खैर बताएं क्या लेंगी आप? मैं लूंगी कबाब। कबाब? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कितना खुश नसीब हूँ मैं, तुमसे प्यार किया और तुम्हें पा भी लिया। कभी कभी तो ये सब एक हकीकत नहीं, ख्वाब लगता है। डरता हूँ कि कहीं आंख ना खुल जाए। तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन रखो, बस मैं वादा करती हूँ ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा। चलो खाना निकालो ना। तुम खिलाओ। ये छत पे चरागा क्यों हो रहा है? मकबूल, मकबूल उठ जा बेटा, उठ के नाश्ता कर ले, मैंने तेरा नाश्ता बना दिया। उठ जा बेटा मकबूल। क्या है अम्मा, सोने दो ना। बेटा नाश्ता करके ना उजाला को उसके घर से लिया, वो वहां बैठी तेरा इंतजार कर रही है। मैं क्यों जाऊं उसे लेने? आप उसे कहें कि बस से आ जाए, पहले भी तो बस से आती थी वो। शर्म कर मकबूल, बहन पास हुई है, उसे मिठाई नहीं देने जाएगा? उठ जाना, फिर मैंने कमरे की सफाई भी करनी है। क्या हाल बना के रखा है उजाला के कमरे का, उठ जा जल्दी कर। क्या है बा? क्या है? चल उठ के तैयार हो और उजाला को लेकर आ। चल तो उठता है कि चाय उबलती हुई लेकर आऊं? जा रहा हूं। अजीब मुसीबत है, कोई सुकून से सो भी नहीं सकता यहां।
लाला के पास गया था, क्या कहता? लाले ने इनकार कर दिया, कर्जा नहीं देगा। राना अमजद? वो काल नहीं सुन रहा है, कल के जिरगे ने सबको हिला के रख दिया है। सारे खौफजदा हैं, डरते हैं कहीं तेरा साथ दिया तो चौधरी कहर का शिकार ना हो जाए। बेवकूफ, अल्लाह के कहर से डरते नहीं, चौधरी के कहर से डर रहे हैं। खैर, कल शहर जाऊंगा बैंक में, उधर कर्जे की बात करता हूं। यहां क्या कर रहा है? बड़ी सैरी हो रही है। इधर कैसे आना हुआ चौधरी साहब? यार मैं तुझसे बात करने आया था, मतलब तुमको सौदा करने आया था। मैं चाह रहा था कि तू अब ये जमीन दे दे, ये तेरे किसी काम की नहीं रहेगी। और अगर सौदा ना किया तो अब की बार क्या करोगे? पिछली दफा तो फसलों में पानी छोड़ दिया था, इस दफा क्या आग लगाने का इरादा है? नहीं यार, मैं तो तुझसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ यार, पुरानी बातें भूल जा, नई शुरुआत करते हैं। पते आइए ले, पेन भी दे दे। चल दस्तखत कर दे। चौधरी साहब, ये कागजों में लिखी उर्दू बड़ी मुश्किल होती है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ओ यार, तू मुझ पे भरोसा कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तू सीधा सीधा पढ़ के साइन कर दे। ओ यार, वो है तेरे साथ? अरे फूट ही गया। है तू पता, तू सिगरेट पीनी शुरू करती? चौधरी साहब, माचिस सिर्फ सिगरेट जलाने के काम नहीं आती, कभी कभी लोगों का गरूर भी जला कर राख कर देती। तूने कागज को नहीं अपनी किस्मत को आग लगाई है, अब रोज तेरी किस्मत इस आग की तरह जलेगी, देखता है ना। चौधरी साहब, एक दरखास्त थी, इस बार अगर वार करना हो ना तो मर्दों की तरह सामने से करना, बुजदिलों की तरह पीछे से नहीं। आया। अच्छा ये बता, अख्तर भाई की तबीयत कैसी है? दिखा रहे हैं डॉक्टर को? जी भूपी, बस दुआ करें, इलाज तो चल रहा है उनका। ये तो बता, ये तेरे बाल कहाँ जा रहे हैं? किधर? इधर आ, इधर आना। जी जी। हाय हाय, सच सच बता, सिगरेट पी रहा है ना आजकल? ये तेरे होंठ भी काले हो रहे हैं, हैं? सूटे लगा रहे हैं ना? नहीं पप्पो, क्या कह रही हैं? कसम ले ले, मैंने आज तक सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ कैसे लगाते, हर वक्त मुंह में जो रहती है सिगरेट। इसका तो काम है हर वक्त पक पक करने का, तुम्हारी हो कि मैं जाऊं। आइंदा सिगरेट नहीं पीना, ठीक है?
चल चाय पी। अच्छा ये बता, काम कैसा चल रहा है? दिल लगा के कर रहा है ना? जी। अच्छी बात। अरे मकबूल। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम। कैसे आना हुआ? बस भाईजान, आपकी बेगम को लेने आया हूँ। पिछले 1.5 घंटे से बिठा कर रखा हुआ है और तैयारियां की खत्म ही नहीं हो रही। भाई आप उसको कहो ना, मुझे जाना है, जल्दी करे। मैं कहता हूँ तूने कुछ खाना पीना कर लिया? जी भाई, मैं नाश्ता करके आया हूँ, बस चाय मैंने पी। चल मैं लेके आता हूँ, बैठ जी। जाला जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर मकबूल खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। क्या देख रहे हो? परी लग रही हो। अभी मुझे तैयार तो होना था। अब होगी तैयार। अच्छा बात सुनो। हाँ। जल्दी आना, ज्यादा दिन ना लगाना। क्यों, तुम्हें मेरी याद आएगी? थोड़ी सी बहुत ज्यादा याद आएगी। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी जल्दी, अभी मुझे तैयार होना था। ये यहां पे रोकना तुम मिले। क्यों, क्या हो गया, क्या हुआ? मैं सोचो अम्मा अब्बा के लिए फल ले लेते हैं। क्या जरूरत है, ऐसे ही चलते हैं ना? नहीं ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली हाथ जाना। चलो आओ मेरे साथ। भैया ये सेब किस तरह है? 350 रुपए किलो। अच्छा और वो स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी 400 रुपए किलो। अच्छा ऐसा करो, 2 किलो सेब कर दो और 1 किलो स्ट्रॉबेरी भी कर दो। और कुछ? वो अमरूद कैसे दिए? 200 रुपए किलो है, 190 लगा दूंगा आपको। अच्छा अमरूद भी कर दो 1 किलो। रहने दो, मैं देता हूँ। तुम क्यों दोगे, जब फल मैंने लिए तो पैसे भी मैं ही दूंगी ना। हाँ तो ये दे दो। नहीं मैं अपने पैसे दूंगी। ये भी तुम्हारे पैसे हैं। ये ना पकड़ो। छोटी बहन हो तुम मेरी, मेरी कमाए हुए पैसों पर तुम्हारा भी हक है। हेलो साहिब, उजाला सामने आ गई। कैसी लग रही है? खुश लग रही है साहिब। तस्वीर भेजो उसकी। ठीक है साहिब।
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।